चरपोखरी थाना क्षेत्र के बघई टोला में सोमवार की सुबह लहसुन रोपने के दौरान मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए चरपोखरी PHC ले जाया गया, जहां से दो लोगों की प्राथमिक उपचार करने के बाद आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त घायलों में हरिराम चौधरी की पत्नी पूनम देवी, दो पुत्र श्रवण चौधरी, गुड्डू चौधरी पुत्री कंचन कुमारी एवं देवर रामायण चौधरी शामिल है। सभी घायल चरपोखरी थाना क्षेत्र के बघई टोला गाँव निवासी हैं। बताया जाता है कि आज सुबह हरिराम चौधरी अपने खेत में लहसुन रोपने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष खेत में लहसुन रोप रहे थे। उसके मामले में वो अपना गाली गलौज किए, किससे? वो जिसके साथ मेरा लड़ाई था। किससे लड़ाई था? आप लोग लड़ाई नहीं था, पर खेत में तो लहसुन रोप रहे थे। वो अपना जैसे कि एक औरत है सोनापति कुंवर, उसका पति नहीं है, वो अपना खेत में आलू रोप रही थी। हम अपना खेत में आलू रोप रहे थे, लहसुन रोप रहे थे। इसके लिए एक आदमी हमसे बात किए, हम आदमी से बात कर रहे थे तो अपने पर रोक करके गाली गलौज किए और ऊपर से हमला अपने तरफ से झगड़ा कर दिया। कितने लोग मिल के मारे? करीब 12-13 थे। आप लोग कितने लोग जख्मी हैं? हम लोग घायल हुए 6-7। क्या नाम है? हमारा नाम गुड्डू है। कहाँ घर है? बघई टोला।